हेलो, तुम तैयार हो ना? हाँ हाँ, आधा काम तो मैंने ही कर दी, बस अब बाकी का आधा काम तुम्हें करना है। सॉरी तोलू। जल्दी से अंदर आओ। सॉरी सॉरी, लेकिन शादी के बंधन में बांधने के लिए अभी तुम्हें रस्सी से बांधना जरूरी है। तुम लोग इसको लेकर निकलो, मैं अभी आती हूँ। अगर मैं चाहती तो इस घर से बहुत कुछ चुरा कर लेकर जा सकती, पर अभी सिर्फ मैं वही लेकर जा रही जिस पर मेरा हक है। सोनाक्षी, 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 अरे कहाँ चली गई लड़की? सोनाक्षी, माँ की साड़ी इस तरह से बाहर, कितना संभाल के रखती है अपने कपड़े। भगवान, यहाँ तो सिर्फ माँ के कपड़े, सोनाक्षी के कपड़े कहाँ गए? ये भगवान, कहीं सोनाक्षी घर छोड़कर चली तो नहीं गई? चलो जल्दी से इसे टेम्पो में डालो इससे पहले कि कोई आ जाए। मैं आई तो इस घर में चोरी करने के लिए, अब मुझे क्या पता कि मेरा खुद का दिल ही चोरी हो जाए। अब सीधे रास्ते पर चलकर तो तुम मुझे मिलने से रहे, इसलिए सब लोगों से मैं तुम्हें छीन रही। अब हम एक नई जिंदगी जिए, सब लोगों से दूर अपनी एक नई दुनिया बसाए जहां पर हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर पाए। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। चलो जल्दी से यहां से।
क्या हुआ गोपी बहू? माँ जी, आपने सोनाक्षी को देखा है क्या? नहीं, काफी देर से मैंने नहीं देखा। ये भगवान, माँ, माँ आपको पता है सोनाक्षी कहाँ है? क्या हुआ दीकरा? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। मैं उसके कमरे में भी गई थी, लेकिन कमरे में ना ही वो है और ना ही उसका सामान। ये क्या कह रही है तू? प्रभु, एक मिनट, सामान गायब है मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मुझे डर है कहीं वो घर छोड़कर चली ना गई। ठहर, मैं अभी फोन लगाती हूँ उसे। हेलो सोना, सोना कहाँ है तू? और तेरा सब सामान भी गायब है कमरे से? ओए बुढ़िया, सिर्फ सामान नहीं, मैं खुद भी गायब हूँ और अब तेरे हाथ नहीं आने वाली हूँ। सोना, ये क्या बकवास कर रही है तू? देख बुढ़िया, मेरे ऊपर चिल्ला मत। और वैसे भी मुझे जो अनमोल खजाना चाहिए था वो मुझे मिल गया, इसलिए मैं वहां से रफू चक्कर हो गई। देख सोना, गोल गोल बात मत कर, जो भी कहना सीधे सीधे कह। ठीक है, सीधे तरीके से कहती हूँ। माधु बहन, फोन को स्पीकर पर रखिए। विवान जी, जिससे मैं सच्चे मन से प्यार करती थी, मैं उसे लेकर भाग गई हूँ। और अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी। और सुन, मुझे फोन करने की या ढूंढने की कोशिश भी मत करना। वैसे भी अभी ये फोन तो मैं फेंक देने वाली हूँ, तो कोई चाहकर भी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सोना, सोना, बड़ी माँ, डैड, आप लोगों ने कहीं भाई को देखा है? बोलो नहीं बेटा, वो तो अभी तक नीचे ही नहीं है। रूम में भी नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने उसे अच्छे से ढूंढा? यस डैड, इनफैक्ट मैंने उसको कॉल भी किया, उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। कृष्ण भगवान, इसका तो साफ साफ यही अर्थ है कि सोना हमारे समर को लेकर भाग गई। व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता, भाई के दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग नहीं थी। मोटा भाई, मोटा भाई, अभी अभी कुछ गुंडे जैसे लोगों ने किसी को बोरी में बंद कर अपने घर से ले गए। हमने उसका पीछा भी किया। आपने हमारे मोलू को उनके साथ देखा? ये तो मैं नहीं देख पाया क्योंकि उसका चेहरा बोरी से ढका हुआ था। हाँ, ये मोबाइल मुझे मिला है। काकी जी, ये तो मोलू का ही फोन है। आप जाइए। मोलू का अपहरण क्यों किया इस पागल? इसे तो तोलू पसंद था ना? तो आखिर जिस इरादे से आप मेरे घर में आई थी वो आपने साबित कर ही दिया ना? मधुबेन, शक का बीज तो मेरे मन में कब से पनप रहा था कि हो ना हो पिछले कुछ एक दिनों से मेरे घर में जो अजीब सी घटनाएं घट रही है उसके पीछे आप ही का हाथ है।
लेकिन आप इस हद तक गिर जाएंगी कि सोना को हमारे घर के बेटे के साथ भागने के लिए उकसाएंगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ भगवान जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सारी गलती मेरी है, सब मेरी वजह से हुआ ना। माँ आप ही क्या कर रही हैं? रुक जाइए, क्या हो गया आप? क्या करूं मैं? तूने भी सुना ना, सोना ने मुझसे फोन पे क्या कहा? और तेरी सास भी मुझे ही दोषी मान रही है। अरे तुम्हारे घर का बेटा उसके प्यार में पागल हुआ, तो मेरी क्या गलती इसमें? तू ही बोल गोपी, ये कैसा न्याय है तेरे घर में? बस माँ, ये सब बातें हम बाद में सोचें। फिलहाल आप इतना बताइए मुझे कि क्या आपको पता है सोनाक्षी कहाँ जा सकती है इस वक्त? शत प्रतिशत इन्हें पता होगा के मधुबेन। हे भगवान, गोपी तुझे नहीं रहना यहाँ पे। माँ 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 अभी क्या कर रही है? क्या हो गया आपको माँ? माँ जी इस वक्त आप भी प्लीज शांत हो जाइए। इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि मोलू और सोनाक्षी को घर कैसे वापस लाया जाए। परंतु गोपी वो गोपिला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, फिलहाल तुम चुप हो जाओ। गोपी दिक्रा, कुछ भी कहने से क्या होगा? तू सच तो वही मानेगी ना जो तेरी सासू ससुर से कहेंगे? हाँ, क्योंकि गोपी वाऊ को ये अच्छी तरह से समझ है कि क्या सच है और क्या झूठ है। मेरी सबसे बड़ी गलती हुई कि मैंने वापस इस घर में कदम रखा, लेकिन अब बस गोपी दिक्रा, मेरी किस्मत में शायद मेरी बेटी के साथ रहना लिखा ही नहीं है। मैं अभी इसी वक्त इस घर से चली जाती हूँ। माँ रुक जाइए मधुबेन। अवश्य आप ये घर छोड़कर जाइए, परंतु मेरे पोते के लौटने के बाद। तब तक आप यही रहेंगी मेरी नजरों के समक्ष, समझी गया? माँ जी देखो गोपी वो, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। मधुबेन की बातों से तुम्हारा दिल पिघल सकता है, मेरा नहीं, क्योंकि इनकी सच्चाई मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। काकी जी, भाभी, मुझे नहीं लगता इस सब बातों के लिए सही वक्त है। पहले हमें कुछ भी करके जल्द से जल्द मोलू को ढूंढना चाहिए। हाँ देव जी, आप सही कह रहे हैं, चलिए हम चलते हैं। मैं भी चलता हूँ। पर तोलू, मैं और तुम्हारे पापा जा रहे हैं ना? प्लीज बड़ी माँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। ठीक है चलो। यदि समर की कोई भी सूचना मिले तो मुझे फोन करके बता देना। जी माँ जी, चल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।